सभी किसान संगठनों ने एकत्रित होकर किया तीनों अध्यादेशों का विरोध। आइए देखते क्या है पूरी खबर। चरखी दादरी तीन अध्यादेशों का विरोध करते संयुक्त किसान मोर्चा जिला चरखी दादरी के बैनर तले सभी किसान संगठनों ने एकत्रित होकर किसान महापंचायत कर चिड़िया रोड पर प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध कमल सिंह माड़ी एवं अतर सिंह सरपंच बलाली की अध्यक्षता में की गई। किसान पंचायत का संचालन भाक्यू जिला संरक्षक रणवीर फौजी घिकाड़ा की देखरेख में चला। भाक्यू जिला अध्यक्ष जगवीर घसोला ने कहा कि किसानों पर थोपे गए तीनों अध्यादेशों को अगर वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अध्यादेशों के विरोध स्वरूप आज हमारे आंदोलन का यह पहला चरण है। आने वाले दूसरे चरण में देश और प्रदेश के 80% आबादी किसान परिवार से जुड़ी हुई है। अगर अन्नदाता के ऊपर अध्यादेश थोप कर उसे गुलाम बनाने की कोशिश की तो किसान संगठन चुप बैठने वाले नहीं है, जिसकी आने वाले समय में मौजूदा सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जल्दी हमारे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि एक सभा करके चर्चा करते हुए अगले दौर के आंदोलन की रणनीति तैयार करते हुए जानकारी दे दी जाएगी। शिवचरण का 25 के प्रधान विजेंद्र बरेला ने कहा कि पूरे जिले के किसान आज संगठित होकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। या तो समय पहले सरकार ये काले कानून वापस ले ले, अन्यथा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चरखी दादरी धरना किसानों के बीच महम से विधायक बलराज कुंडू ने पहुंचकर कहा कि मैं सरकार से इन अध्यादेश को लेकर मैं सरकार से 5 सवाल करना चाहता हूँ। अगर सरकार मेरे उन सवालों का जवाब दे दी कि अध्यादेश से किसानों को एक भी फायदा होता हो, लेकिन सरकार किसानों को दो फाड़ करके राजनीति करना चाहती है। और उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 1 तारीख तक सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो 2 तारीख को महम 24 के चबूतरे पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। आज भी जिले भर से सभी किसान संगठन सामाजिक संगठन व्यापार मंडल की तरफ से किसानों के धरने पहुंचकर अपना समर्थन दिया और भविष्य में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आश्वासन दिया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जिला प्रधान विजय पंचगामा, युवा नेता नितिन जांगू ने भी पार्टी की तरफ से भरोसा दिलाया। ये थी 24 आवर्स टुडे न्यूज के लिए उमेश साहेब की खास रिपोर्ट। मजबूत है, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन मजबूरन वश किसान कर रहे हैं। आप दुखी होकर पीड़ित होकर सरकार ने जो हमारे ऊपर अध्यादेश थोप कर चंद पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है और किसानों को इनके पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ता किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि इससे किसानों का भला होता है। अगर सरकार भले की इतनी सोचने वाली हो गई तो किसान सीटू फार्मूले के साथ MSP की मांग कर रहे हैं, वहाँ पीछे क्यों खिसक रही है सरकार और जबरदस्ती किसानों को थोप कर चंद पूंजीपतियों के वाले कर रही है। इन्हीं कारणों से किसान आज अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड के ऊपर चिल्ला रहे हैं। इस 45 डिग्री तापमान के अंदर बुजुर्ग हमारे 80-80 उम्र के जो रोड के ऊपर बैठे हैं, हमारी मजबूरियां हैं और सरकार और मोदी इन जैसे झूठे जितने नेता भी हैं इन्होंने किसानों को बर्बाद करने की ठानी है, लेकिन आने वाले समय में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो सर, जैसे कि पूरे हरियाणा की बात की जाए, पूरे हरियाणा के किसान आज जो पूरे रोड जाम किए जा रहे हैं, तो चरखी दादरी से आप जिला प्रधान होते हुए, दादरी जिला है, उसके बारे में किसानों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? किसानों का समर्थन जैसे अब की बार हमारे जैसे दो भौगोलिक परिस्थितियां हरियाणा के अंदर 4 भागों में बटी हुई हैं, तो यहाँ फसल की कटाई है, फसल कपास की चल रही है, तो इनको देखते हुए आने वाले जो ये हमारा पहला चरण है, इस पहले चरण के अंदर हमने जैसे ज्यादा संख्या न जुटाकर जो मैन मुख्य किसान थे या जागृत किसान थे वो अपने आप शामिल हुए हैं। हमें घर घर जाके कोई इतना प्रचार नहीं किया, किसी को जबरदस्ती बुलाने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने अखबार मीडिया के माध्यम से सुना है वही हमारे पास चल के आए हैं या संगठन के हैं। इसके अलावा हमने किसी को भी इस प्रकार से, अगले जो दूसरा हमारा चरण होगा वो इससे 10 गुना मजबूत होगा। आने वाले समय में ये सरकार या तो जल्द ही इसके ऊपर डिसीजन लेके और इन अध्यादेशों को वापस ले ले, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दादरी में जो अनेकों संगठन है, किसान यूनियन के हैं, जाट संघ समिति है और सर्वकर्ता संघ है, 1983 पीटीआई और जितना भी जो दादरी का किसान वर्ग है, सभी को हमारा पूर्ण
जो है समर्थन। तो सर आज का जो ये जो आंदोलन है इसमें जैसे कि किसानों के अलावा और कौन कौन सा वर्ग आपको सपोर्ट कर रहा है? हमारे साथ जो है व्यापार मंडल है और जो जितने भी कर्मचारी वर्ग है, जितने संगठन है, वो सभी हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और हमारा जो आज बंद का पूरे हरियाणा का आह्वान है वो 12 से और 3 बजे तक है। आप सबसे बड़ी किस मांग को लेके आज का ये किसानों की सबसे बड़ी मांग है, सरकार एक तो जो पिपली के अंदर जो चिंगारी उठी है और 300 से ऊपर किसानों के ऊपर जो संगीन मुकदमे बढ़ाए उनको तुरंत प्रभाव से वापस ले, और सरकार किसान की मांग को जो MSP रेट है उसको रेट को फिक्स करे और उसका कानून बनाए, और इससे जो नीचे परचेज करेगा उसको ऊपर सजा का प्रावधान है। किसान सेल कोषाध्यक्ष सर चिरादरी आज जैसे पिगौल विदा कह करके भारतीय किसान यूनियन में शामिल जिला प्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे हूँ। तो पिपली में जो हमारे किसानों के साथ लाठी चार्ज हुआ है, हमको नोटिस दिया गया पिपली नहीं जाना है, उससे तंग आकर के सरकार से तंग आकर के मैंने ये JJP को अलविदा कहने का मौका मिला और भारतीय किसान यूनियन के में काम करने का मौका मिला। तो मैं किसानों का अत्याचार नहीं सह सकता, इसलिए मैं JJP को आज से अलविदा कह दिया है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए ये कहूँगा कि जितने 3 अध्यादेश लागू किए सरकार ने, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, कपास, ग्वार और मूंग में जो नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। और जो ही ऊपर से आदेश आएंगे हमारी भारतीय किसान यूनियन के, उसी अनुसार हम अगला रणनीति उठाने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे भी हमें आदेश दिया जाएगा, आदेश का पालन करेंगे। जो विधेयक है ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक डेथ वारंट जारी किया हुआ है, और सरकार ने जो विधेयक जिस तरीके से कि प्राइवेट कंपनी को इतना अधिकार दे दिया, इससे किसान किसान नहीं आम आदमी जो घर बैठा है उसके घर पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाहर की जो कंपनी आएंगी उनकी जो स्टॉक की लिमिटेड आई है, लिमिटेड आने के बाद वो अपने किसान से सस्ते दाम में खरीदेंगे और उसके बाद 2-4-5 दिनों में वो अपने हिसाब से रेट लगा देंगे और गोदामों में स्टॉक करके आने वाले समय में हर चीज। तो सर के जो ये 3 अध्यादेश लेके आए किसानों के विरोध में, तो इसके बारे में इनेलो पार्टी का क्या एजेंडा है? इनेलो पार्टी के इनेलो पार्टी किसानों के साथ है, और जब तक ये आदेश वापस नहीं होगी 3 आदेश, पार्टी जो भी संघर्ष करना पड़ेगा कितना भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। वही सब पार्टी हमारी 22 तारीख को प्रत्येक जिले हेडक्वार्टर पर हमने धरना शुरू करने का काम किया। 22 को हर जिले में हमारा धरना शुरू हो जाएगा पार्टी का।